तीन गेंदों के बाद अगर आप स्कोर देखेंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे ही सही, लेकिन यहाँ पर काफ़ी काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर स्कोर जो यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ। और आप लोगों के ख्याल से क्या लगता है, आपको ये मैच जो है कौन सी टीम जीतनी चाहिए और कौन सी टीम हारनी चाहिए, आप भी हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और कौन सी टीम जीत सकती है, कौन सी टीम हार सकती है, आप भी अपनी अपनी प्रेडिक्शन जो है हमें नीचे कमेंट करिए। और फटाफट आप लोग अपनी अपनी राय जो हमें इजहार कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली गेंद थी बढ़िया गेंद यहाँ पर सिंगल के लिए। जी हाँ, बहुत ही सुंदर गेंद थी इस बार बल्लेबाजों के लिए, सिंगल ले लिया बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ 68 हो चुके हैं। जी हाँ, 68 पर हम बात करें तो विकटों की, विकटें फ़िलहाल अभी आपको हो चुकी हैं 3 विकटें हैं 10.4 ओवर्स के बाद। हम अच्छे हैं सर। यार ये अमोल को यार कितनी बार बताऊं कि यार 10 बार 100 कमेंट नहीं करा जाता यार। अमोल जैसे लोग होते हैं पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है इनको यार, बिना मतलब का टाइम आउट नहीं देना चाहता मैं इन लोगों को, लेकिन फिर भी देना पड़ता है यार। बताओ यार 100 कमेंट करने की क्या ज़रूरत है, मुझे कोई और कमेंट ही नहीं दिख रहा यार। चले यार, इसी बीच स्कोर आपका 69 पे 3 विकेट हो चुकी हैं 10.4 और 10.5 ओवर्स के बाद। यार आप सभी दोस्तों का, मित्रों का, यारों का बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं। अब कितना रन हो सकता है भाई? भाई मुझे लगता है अच्छा खासा रन यहाँ पर बनेगा भाई। जी हाँ, बहुत अच्छा खासा स्कोर बनेगा। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या होता है अगली गेंद पर। बल्लेबाज तैयार है इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो आपको 10 ओवरों की नहीं 11 ओवरों की समाप्ति हो चली है। अमित जी कह रहे हैं कि अब बन सकते हैं 150। 150 तो मेरे ख्याल से बन जाएगा प्रॉबली ब्रो, क्योंकि 150 के बनने के चांसेस पूरे हैं इस मैच में। 150 से तो नीचे नहीं बनेगा मेरे ख्याल से, मुझे लगता है 150 बन जाएगा यार। क्या लगता है आप लोगों को, बन जाएगा क्या या नहीं बनेगा, ज़रा बताइए आप भी हमें कमेंट करके। हम भी जानना चाहते हैं कितने लोगों को लगता है कि 150 बन जाएगा। इसी बीच इस ओवर की पहली गेंद है, ओवर की शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद को अच्छा शॉट लगा दिया बल्लेबाजों ने, 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए हैं। जी हाँ, 2 रन यहाँ पर बल्लेबाजों ने जो है पूरे कर लिए हैं दोस्तों, तो अच्छी बल्लेबाजी फिलहाल अगर हम देखें तो। दूसरी गेंद बेन स्टोक्स यहाँ पे अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर आते हुए, ये गेंद एक और डॉट बॉल के लिए, कोई भी रन नहीं आएगा इस गेंद पर। 145 काफ़ी लोग कह रहे हैं यहाँ पर, हम अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 155 आ जाएगा भाई जम्मू कश्मीर से। ओके आ जाए भाई, देखते हैं 150 से नीचे रहेगा। ओके 150 से नीचे रहता, देखते हैं एफ यू बी अगर खाता है तो जाएगा। स्टोक्स और विकेट नहीं देनी चाहिए यार, देखते हैं स्टोक्स क्या करते हैं। ओवर की तीसरी गेंद लेकर आएंगे, ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। ना ना ना। ये गेंद एक और सिंगल ले लिया बल्लेबाजों ने, सिंगल के साथ स्कोर आपका हो गया फिलहाल 73 पे। फिलहाल 3 विकेट हो चुके हैं साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर। बढ़िया बल्लेबाजी फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पे, दोनों बल्लेबाजों को करनी पड़ेगी। अगर अच्छी बल्लेबाजी नहीं होते हैं तो मज़ा नहीं आएगा भाई। अगली गेंद यहाँ पर बेन स्टोक्स गेंदबाजी करेंगे। बेन स्टोक्स की बात है, फिलहाल 2 ओवर और 3 गेंदें फिलहाल हो चुकी हैं, 15 रन बन चुके हैं। फॉफ डुप्लेसिस को रहना पड़ेगा, बिल्कुल सही कहा आपने, फॉफ डुप्लेसिस यहाँ पे कमाल कर सकते हैं भाई। अगली गेंद यहाँ पर देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद पर क्या करते हैं बल्लेबाज। इसी बीच चौका लगा दिया बेन स्टोक्स थे स्ट्राइक पे पहली गेंद, माफ कीजिएगा फॉफ डुप्लेसिस स्ट्राइक पे थे, डुप्लेसिस ने लगा दिया बहुत ही बेहतरीन शॉट, गेंद जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर एक और चौके के लिए। चौके के साथ स्कोर आपका जो है बढ़कर हो चला है, आप देख सकते हैं बहरहाल 77 रन, क्योंकि बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया बल्लेबाजों ने गेंद के सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए। फॉफ को तो रहने ही है अभी, हाँ बिल्कुल सही कहा, फॉफ डुप्लेसिस यहाँ पर है जो कि आपको 150 तक पहुँचा सकता है। चलिए हमारे साथ आ चुके हैं दोस्त मित्र यार जिनका नाम है सौरभ राज जी माफ़ कीजिएगा सौरभ राज जी, क्या हाल चाल आपके, क्या लगता है आपको इस ओवर की अगली गेंद। एक और सिंगल ले लिया बल्लेबाजों ने, जी हाँ सिंगलों का यहाँ पे भरमार यहाँ पे लगा पड़ा है। हेलो मिनुल हसन, वेलकम टू द चैनल ब्रो, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल हैं आपके। अगली गेंद यहाँ पर बल्लेबाज ने एक और सिंगल ले लिया है, सिंगल से तो काम नहीं चलने वाला है आई एम श्योर, बल्लेबाज यहाँ पर सिंगल से तो काम नहीं चलेगा।
बल्लेबाज चाहेंगे बड़े बड़े शॉट्स लगाएं, और बड़े बड़े शॉट जितने लगेंगे उतने ज़्यादा मज़ा आएंगे। ऊंचा लंबा शॉट 6 रनों के लिए, ऊंचा भी था लंबा भी था, और ये गेंद हवाई यात्रा पर गई इतनी ऊंची कि गेंद जाकर गिरेगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट, छक्के के साथ ही हम बात करें तो आपका स्कोर फिलहाल हो गया 84 पे 3 विकेट 12 ओवर की समाप्ति के बाद। जी हाँ, इस ओवर में चौका भी आया और छक्का भी आया, इसके साथ 12 ओवर की समाप्ति के बाद आपका हो चला है, हम बात करें तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 84 पे 3 विकेट 12 ओवर के बाद। और सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए आप भी हमारे साथ। अगर आप भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया था, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट सभी के सभी दोस्त। और बढ़िया भाई, आप कैसे हो, डिनर हो गया? हाँ जाइए, डिनर तो हो गया मेरे भाई। इंग्लैंड जीतेगा भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे भी लगता है इंग्लैंड ही जीतेगा। इसी बीच नए ओवर की शुरुआत भी हो चुकी है, पहली गेंद यहाँ पर आदिल रशीद आए नए गेंदबाज, इस गेंद पर आसानी के साथ बल्लेबाजों ने ड्राइव कर दिया, गेंद जाएगी सीधा फील्डर के पास, कोई रन नहीं आएगा, डॉट बॉल। इस डॉट के साथ स्कोर आपका बहरहाल 84 पे 3 विकेट 12 ओवर और फिलहाल 3 गेंदों के 12 ओवर और 1 गेंदों की समाप्ति के बाद। अगली गेंद आती हुई आदिल रशीद गेंदबाजी करेंगे फॉफ डुप्लेसिस के लिए, डुप्लेसिस जो कि आपको स्ट्राइक पर रहेंगे। एक और सिंगल ले लिया बल्लेबाजों ने, इस सिंगल के साथ ही हम स्कोर की बात करें, स्कोर आपका बहरहाल हो चला, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बढ़कर अब हो गए हैं फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये 95 रन्स, ये माफ कीजिएगा 85 रन्स और 3 विकेटों के बाद। आइए देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद पर बल्लेबाज क्या करते हैं, स्ट्राइक पर रहेंगे आपको रसी वैन डर ड्यूसन। ड्यूसन की बात हुई तो अच्छी खासी बल्लेबाजी इन्होंने करी है पिछले मैचेस में, 8 गेंदों पर फिलहाल 12 पे खेल रहे हैं। मैं तो रोज़ जुड़ता हूँ भाई, इसमें क्या नया है, ये तो बात आपने सही कही, आप रोज़ जुड़ते हैं लेकिन बाकी के लोग भी तो रोज़ नहीं जुड़ते ना, तो आप रोज़ जुड़ते हैं इसीलिए तो कि मैंने कहा भाई, जो लोग जुड़ते हैं रोज़ उनके लिए तो यार कुछ ना कुछ तो वो होना चाहिए ना, जो लोग जुड़ते रहेंगे उनके लिए अच्छी बात है। आपने हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं कर रखा भाई? उन्हें अगर नहीं किया तो स्पोर्ट्स अपडेट्स भाई चंदन 1 सर्च कर लेना, आपको वहाँ पर भी हमारा चैनल जो है उसके ऊपर मिल जाएगा। प्रॉब्ली मेरे ख्याल से आपने वो सब्सक्राइब कर रखा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद पर बढ़िया शॉट आदिल रशीद की, गेंद थी, गेंद जाएगी चौके के लिए। लीजिए भाई, बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी यहाँ पर बल्लेबाज के द्वारा, 90 पे फिलहाल 3 विकेटें हो चुकी हैं। राशिद डेंजर है, राशिद से डेंजर यहाँ पर रशी वैंडर ड्यूसन है भाई। चलिए भाई देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद पर बल्लेबाज यहाँ पर क्या करेंगे। अगली गेंद आती हुई ये गेंद, इसी बीच आदिल रशीद गेंदबाजी करेंगे फॉफ डुप्लेसिस के लिए, डुप्लेसिस जो कि आपको 11 पे खेलते हुए, जी हाँ 11 पे खेल रहे हैं फिलहाल, 15 गेंदों का सामना किया है, 3 ओवर 5 गेंदें हो चुकी हैं। 3 ओवर 5 गेंदों के बाद हम बात करें तो स्कोर आपका हो गया है फिलहाल, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 90 पे 3 12 ओवर 5 गेंदों के बाद। दूसरे को बोल्ड कर, 10 रन को बोल्ड करो। हाय जैकी भाई एवरीवन, हेलो भाई, स्वागत है आपका। इसी बीच आदिल रशीद अपने ओवर की अगली गेंद, आखिरी गेंद कर रहे थे यहाँ पर, बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर डॉट बॉल के साथ। हम स्कोर की बात करें, स्कोर आपका हो चला फिलहाल 90 पे 3। जी हाँ, 90 पे फिलहाल 3 विकेट हो चली और ओवर की जो है फिलहाल समाप्ति हो गई, और अच्छी बल्लेबाजी अगर हम बात करें यहाँ पर बल्लेबाजों के द्वारा हुई है। खैर अगर आप देखेंगे तो आदिल रशीद की यहीं पर बात करें तो आदिल रशीद ने अपना 4th ओवर समाप्त कर दिया, और इन्होंने केवल और केवल अगर हम बात करें तो आपको 90 रन दिए, 3 विकेटें अभी तक फिलहाल जा चुके हैं इस मैच में। विकेट भले ही ना लिया हो आदिल रशीद ने, लेकिन प्रेशर जो है यहाँ पर दूसरी तरफ से ज़रूर बनाए रखा। फॉफ डुप्लेसिस जो कि 16 गेंदों पर 11 पे फिलहाल बल्लेबाजी कर, और इनको चाहिए कि बड़े बड़े शॉट्स लगाएं, अगर ये धीमे धीमे बल्लेबाजी करते रहेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि कोई फ़ायदा होने वाला इस टीम का, इसे ना ही टीम का फ़ायदा होने वाला कुछ, और ना ही कुछ होने वाला इस टीम का। चलिए इसी बीच नए ओवर की शुरुआत होने वाली है, और देखते हैं इस नए ओवर की शुरुआत में यहाँ पर क्या होता है। बल्लेबाज जो स्ट्राइक पर रहेंगे वो रहेंगे आपको फिलहाल हम बात करें तो फॉफ डुप्लेसिस जो कि 11 पे खेलते हुए 11 पे खेल रहे हैं, 16 गेंदों का सामना किया है। और आप लोगों को क्या लगता है कौन सी टीम ये मैच जो है जीतेगी, आप भी हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं फटाफट। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट सभी के सभी दोस्त, और फिलहाल बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई। डुप्लेसिस और शतक मारेगा, चलिए देखते हैं डुप्लेसिस शतक मारता है कि नहीं मारता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो फिलहाल बहुत ही बेहतरीन मैच चलता हुआ आपको। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, नए ओवर की शुरुआत होती हुई, पहली गेंद पर ले लिया बल्लेबाजों ने सिंगल। जॉफ्रा आर्चर अपने ओवर की शुरुआत करने के लिए आए हैं, नए स्पेल की शुरुआत करने के लिए आए हैं। इस नए ओवर की पहली गेंद थी, सिंगल ले लिया बल्लेबाजों ने, सिंगल के साथ स्कोर आपका हो गया 91 पे 3।
91 पर 3 विकेट हो चुकी हैं 13 ओवर से 1 गेंदों की समाप्ति के बाद। इंग्लैंड ही जीतेगा भाई, जीतने का तो इंग्लैंड ही जीतेगा, मुझे भी यही लगता है इंग्लैंड ही जीतेगा। देखते हैं कुछ भी हो सकता है भाई, ये क्रिकेट गेम है, आपके कहने से और ना कहने से कुछ नहीं होगा। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर दूसरी गेंद थी, बढ़िया शॉट, क्या चौके के लिए गेंद जाएगी, पीछे फील्डर मौजूद लेकिन फील्डर को चीरती हुई गेंद चौके के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट इस बार बल्लेबाज ने लगा दिया है और ये गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, चौका। आज ही हाँ, बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया बल्लेबाज ने, इस गेंद को फ्लिक कर दिया था, गेंद गई थी मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चौके के लिए। और इस चौके के साथ ही स्कोर आपका 95 पे 3 विकेट है। और जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी भैया आईपीएल तक ही सीमित थी, और आईपीएल के बाद जैसे आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, जैसे बूम बूम बुमराह यहाँ पे आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए गेंदबाजी कर रहे थे, और यहाँ पर जब इंडियन टीम के लिए गेंदबाजी करते उनसे गेंदबाजी ही नहीं हो पा रही, उसी प्रकार से अब जोफ्रा आर्चर का भी यहाँ पर हाल है, क्योंकि आईपीएल का जो नशा है अभी तक नहीं उतरा इन लोगों के सर के ऊपर से। तीसरी गेंद, बढ़िया गेंद थी, कोई रन नहीं आएगा इस गेंद पर, डॉट बॉल, डॉट के साथ स्कोर आपका बहरहाल हो चला है आपको 95 पे 3 विकेट 13 ओवर से फिलहाल 3 गेंदों की समाप्ति के बाद। जी हाँ, 13 ओवर 3 गेंदों की समाप्ति फिलहाल हो चली है। अगर आप देखेंगे तो अगली गेंद आती हुई जोफ्रा आर्चर ओवर की चौथी गेंद, ओवर द विकेट से मिडल और लेग स्टंप की लाइन की गेंद को मोड़ दिया है लेग साइड की तरफ, लेकिन गेंद जब तक लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास जाती है और उठाकर इस गेंद को फेंका जाता, बल्लेबाजों ने इसी बीच आंखों में इशारा कर लिया, आसानी के साथ एक और सिंगल पूरा कर लिया। सिंगल के साथ स्कोर आपका बहरहाल 1 ओवर जुड़ता हुआ, इस सिंगल के साथ स्कोर आपका बढ़कर हो गया 96 पे 3 विकेट 13 ओवर 4 गेंदों की समाप्ति के बाद। क्रिकेट मेरे इशारों पे चलता है, इंग्लैंड ही जीतेगा, विशाल पटेल। ओके ब्रो, अच्छी बात है अगर आपके इशारे पे चलता है क्रिकेट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग ब्रो। आई वुड सजेस्ट यू कि आप ऐसे ही करते रहिए फिर, अगर आपके इशारे पे चलता है तो। देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद पर बल्लेबाज क्या करते हैं, ये गेंद आने वाली है, बल्लेबाज क्या करेंगे इस गेंद पर, ड्राइव कर दिया एक बार फिर से, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की तरफ। इस बार बल्लेबाजों ने जो है आसानी के साथ यहाँ पर सिंगल पूरा कर लिया, इस सिंगल के साथ स्कोर आपका 97 पे जो है 3 विकेट 13 ओवर्स और 5 गेंदों की समाप्ति के बाद। इसका क्रिएशन भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ भाई, मैच देख रहे लखन भाई, लेकिन मजा नहीं आ रहा यार, चौके छक्के नहीं लग रहे यार, चौके छक्के लगे तो अलग ही मजा है भाई। अगली गेंद यहाँ पर एक और सिंगल ले लिया बल्लेबाजों ने, अगली गेंद यहाँ पर आखिरी गेंद आती हुई जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करेंगी, एक और सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 93.3 FM विद स्कोर कार्ड, ये बात सही कहा आपने, स्कोर चंदन भाई मैच देख रहे हो क्या? हाँ भाई देख रहे हैं, अमोल पर आया, गुड कमेंट्री भाई, शुक्रिया सुमन जी आपका। तो बता दें आप लोगों को स्कोर आपका हो चला है फिलहाल 98 पे 3 विकेट 14 ओवर की जो है समाप्ति हो चली है। जी हाँ, 14 ओवर की समाप्ति के बाद अगर हम स्कोर की बात करें, स्कोर यहाँ पर धीरे धीरे सही, लेकिन यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ, अच्छी बल्लेबाजी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इन दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। ओ भाई साहब, टाइम टू पुट योर क्रिएटिव हैट्स ऑफ। बल्लेबाजों की बात करें दोस्तों, तो स्कोर आपका हो चला है फिलहाल 98 पे 3 विकेट 14 ओवर की समाप्ति के बाद, 6 ओवर्स फिलहाल यहाँ पर बचे हुए हैं। चंदू फुलमारी जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या हाल चाल है आपके, क्या लगता है आपको ये मैच कौन सी टीम जीतेगी, अभी हमें नीचे कमेंट करके जो है बता सकते हैं। देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद पर बल्लेबाज जो है क्या करते हैं, क्योंकि जोफ्रा आर्चर जो कि अपने 3 ओवर जो यहाँ पर ऑलरेडी डाल चुके हैं, और 3 ओवर में अगर हम बात करें तो इन्होंने जोफ्रा आर्चर ने अभी तक 22 रन दे चुके हैं। जी हाँ, काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए, अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंसिव तो काफ़ी साबित हुए हैं। और 115 लोग हमारे साथ अभी फिलहाल बने हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप सभी का। भाई आलस मत दे यार, मुझे भी आ रहा है, किसको आलस आ रही है वैसे, बाय द वे नाइस कमेंट्री, थैंक यू सो मच रातिया रबी जी, आपकी कमेंट्री सुनने आता हूँ लखन जी, शुक्रिया आपका, मैच देखने से ज़्यादा आपकी कमेंट्री तगड़ी है, अरे क्या बात है, शुक्रिया आपका लखन जी, आपके चैनल पे मज़ा आता है मेरे को, शुक्रिया आपका। विशाल पटेल जी धन्यवाद भाई, इंग्लैंड भाई 8 विकेट जीतेगा, ओके ब्रो भाई, यहाँ इंग्लैंड 41-43 का क्या मतलब है, 41-43 का मतलब ये है कि वो आपको रेट चलते रहता है, तो वहाँ पर अपने आप चेंजेस होते रहते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि पूछते हैं आगे रेट क्या चल रहा है, रेट क्या चल रहा है, तो वहाँ पर ऑप्शन आता है रेट लगाने के, तो मैंने लगा दिया भाई, जो मर वो देखते रहो, जिसको काम है जिसको काम नहीं है वो नहीं देगा। इसी बीच जॉर्डन की पहली गेंद, दूसरी गेंद थी, दूसरे ओवर की शुरुआत थी, पहली गेंद पर आसानी के साथ बल्लेबाजों ने ले लिया एक और सिंगल, सिंगल के साथ 99 रन पर 3 विकेट हो चली हैं, 99 एंड 3 विकेट नुकसान के बाद फिलहाल साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर 14 ओवर्स पर 1 गेंद की समाप्ति के बाद।
क्रिस जॉर्डन जो कि 1 वर्ष और 2 गेंदे फिलहाल कर चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, कर नहीं चुकी हैं। वुमेंस क्रिकेट देखने के बाद यही होता है कि आप जो है ज़्यादातर ये देखते हैं कि आपको ये गेंद, एक और सिंगल ले लिया भाई। ओवर कौन डाल रहा है? क्रिस जॉर्डन डाल रहे हैं भाई ओवर। इस ओवर की अगली गेंद आती हुई देखते हैं, इस ओवर की अगली गेंद पर बल्लेबाज क्या करते हैं। स्ट्राइक पर रहेंगे आपको फॉफ डुप्लेसिस, जो कि 18 पे खेल रहे हैं, 14 गेंदों का सामना किया है। ओवर द विकेट से तेज गति से भागेंगे ये गेंद, इस बीच इस गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ जाती हुई, लेकिन फील्डर मौजूद है। जब तक उस गेंद को उठाकर थ्रो करते हैं तब तक बल्लेबाजों ने इस आसानी के साथ एक और सिंगल जो यहाँ पर पूरा कर लिया दोस्तों। इस सिंगल के साथ स्कोर आपका बढ़कर होता है 101 रन, एंड 101 पे जो है फिलहाल 3 विकेट बहरहाल हो चुके हैं अगर आप देखेंगे तो स्कोर। एक सौ एक पे फिलहाल 3 विकेट हो चली हैं 14 ओवर से फिलहाल 3 गेंदों की समाप्ति के बाद। भाई IPL ऑक्शन इन जनवरी, जी हाँ भाई IPL ऑक्शन आपके लिए पूरा का पूरा लेकर आएंगे। IPL ऑक्शन तो आपके लिए बिल्कुल ऐसा लेकर आएंगे इस बार कि IPL ऑक्शन में सबके सब हैरान हो जाएंगे कि वाह भाई वाह क्या ऑक्शन बनाया। इस बीच इस गेंद पर ले लिया बल्लेबाजों ने एक और सिंगल, सिंगल के साथ 102 पे फिलहाल 3 विकेट है 14 ओवर्स और 4 गेंदों की समाप्ति के बाद। जी हाँ 14.4 ओवर्स फिलहाल हो चुके हैं और 14.4 ओवर्स के बाद हम स्कोर की बात करें, स्कोर आपका हो चला है 100 100, फिलहाल कितने हो गए भाई 102 रन हो चुके हैं फिलहाल 3 विकेटों के बाद। विशाल पटेल जी कह रहे हैं T20 को वनडे कर दिया इन दोनों ने। हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, इन दोनों ने मिलकर जो है यहाँ पर T20 को जो है वनडे मैच बना दिया है फिलहाल। खैर 14 ओवर से फिलहाल 4 गेंदों की समाप्ति हो चली है गाइस। मैं एक चीज़ का काम करता हूँ, वैसे भी 115 लोग जुड़े हुए हैं, 115 लोग में ज़्यादा कुछ तो होने वाला नहीं है, तो कमेंट्री तो जारी रहेगी, लेकिन मैं ये काम करता हूँ, मैं जो है गेम भी लगाता हूँ ताकि मज़ा आए यार, ताकि आप लोगों को भी जो है कुछ मज़ा मिल सके। मज़ा आएगा तभी तो मज़ा आएगा ना भाई, इसलिए आप ज़रा बने रहिए हमारे साथ। हम जो है एक काम करते हैं और फटाफट चलते हैं और आप लोगों के लिए एक मस्त टीम जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए बना कर लेकर आते हैं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद थी क्रिस जॉर्डन की, जॉर्डन की इस गेंद को बल्लेबाजों ने ड्राइव कर दिया था आसानी के साथ, एक और सिंगल पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के साथ स्कोर आपका अगर हम बात करें तो बढ़कर जो हो चुका है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, बहरहाल हो चुका है 103 और 104 हो चुके हैं 15 ओवर की समाप्ति के बाद। और मिस फील्डिंग होती हुई, गेंद क्या बाउंड्री के बाहर जा पाएगी? जी हाँ बाउंड्री के बाहर चली गई है चौके के लिए। जी हाँ दोस्तों ओवर की समाप्ति हो चुकी है आखिरी गेंद पर चौका आने के बाद, और बढ़िया शॉट लगाया था बल्लेबाज ने, क्रिस जॉर्डन वहाँ पे गेंदबाजी कर रहे थे, रसी वैंडरडूसन जो कि 15 गेंदों पर 25 पे फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत ही अच्छा शॉट, गेंद गई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। चौके के साथ यहाँ पर ओवर की बात है दोस्तों तो फिलहाल ओवर की जो है समाप्ति हो चली है। इस ओवर की समाप्ति के बाद 107 पे 3 विकेट है 15 ओवर की समाप्ति के बाद। अगले 5 ओवर में कितने रन बनेंगे आइए हम देखते हैं, हम और आप मिलकर देखेंगे कितने रन बनते हैं और कितने नहीं बनते हैं, और ये भी पता चल जाएगा आपको कितना सर स्कोर यहाँ पे जो है चेस करना पड़ेगा इस टीम को अगर हम बात करें तो। क्या अगर आप ही हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा भाई, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। हमारी कॉमेंट्री कहीं चोरी हो रही है क्या? अभी सर लोग जो हमें कॉमेंट कर रहे हैं बता रहे हैं कि हम आपकी कॉमेंट्री जो है दूसरी जगह भी यूज़ हो रही है, आखिर ये कर कौन रहा है, कौन है ये, वो कौन ये बंदा जो हमारी कमेंट्री जो है चोरी कर रहा भाई, कौन है ये आदमी। चलिए इसी बीच देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद पर क्या करते हैं बल्लेबाज। ये गेंद 16वें ओवर की शुरुआत हुई, टॉम करन जो कि अपना दूसरा ओवर लेकर आएंगे, देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद पर क्या होता है, नए ओवर की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ नए ओवर की शुरुआत होने वाली है, टीम कंटेंस ओहो हो ऊंचा लंबा छक्का, छक्का लगा दिया बल्लेबाजों ने, बहुत ही बेहतरीन शॉट, जी हाँ बहुत ही बेहतरीन शॉट लगा दिया बल्लेबाजों ने। इसी बीच इस गेंद को लगा दिया छक्के के लिए और इस छक्के के साथ ही हम स्कोर की बात करें तो स्कोर आपका 113 पर फिलहाल 3 विकेटें हो चली हैं। विशाल पटेल जी क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली गेंद पर एक और डॉट बॉल को रन आएगा इस गेंद पर, डॉट बॉल के साथ 113 पे फिलहाल 3 विकेट हैं 15 ओवर और 2 गेंदों की समाप्ति पे आता है, 15 ओवर फिलहाल 2 गेंदों की समाप्ति हो चलिए है दोस्तों। अच्छी बल्लेबाजी फिलहाल टॉम करन के द्वारा, टॉम करन गेंदबाजी फिलहाल अच्छी कर रहे हैं, देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद पर बल्लेबाज क्या करेंगे। क्या इस गेंद पर एक और चौका आएगा? जी नहीं दोस्तों, एक और डॉट बॉल आएगा, खैर
डॉट बॉल के साथ हम स्कोर की बात करें, स्कोर आपका 113 पे हो चला है। आपको माफ़ कीजिएगा, तीसरी गेंद पर एक और सिंगल ले लिया बल्लेबाजों ने, सिंगल के साथ 114 पे 3 विकेट 15 ओवर्स और फिलहाल 3 गेंदों की समाप्ति के बाद। तो अच्छी खासी बल्लेबाजी जो है यहाँ पर फिलहाल जारी है इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, कमाल की बल्लेबाजी फिलहाल हो रही है। देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद पर बल्लेबाज क्या करते हैं। गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए जुड़े हमारे साथ, तो अगर आप नए व्यूअर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप हमारे चैनल को, क्योंकि आप जो हमारे लिए